वेलकम टू आवर चैनल, दिस इज़ आवर डेली शो फाइव वर्ड्स वोकैबुलरी शो। आज है डे फाइव और फटाफट से शुरू करते हैं। पहला वर्ड है आपका जेनोसाइड। पहला वर्ड क्या है आपका? जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार। जेनोसाइड का मतलब क्या होता है? नरसंहार। अब ये किस प्रकार का नरसंहार है? किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष के काफ़ी सारे लोगों को मार देना, उसे बोलते हैं हम जेनोसाइड। इसका सेंटेंस देखते हैं, द कैंपेन ऑफ जेनोसाइड, मतलब जेनोसाइड का अभियान। इसके सिनोनिम्स देखते हैं, सिनोनिम्स में आता है मसाक्रे एंड रेशियल किलिंग, दोनों के मिलते जुलते मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट वर्ड है आपका गलीबल। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? गलीबल। गलीबल का मतलब होता है भोला सीधा साधा, ठीक है। भोला सीधा साधा या जिसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है, जिसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, उसे बोलते हैं हम गलीबल, ठीक है। इसके सेंटेंस यूसेज देखते हैं, एन अटेम्प्ट टू परस्यूड अ गलीबल पब्लिक टू स्पेंड देयर मनी। अटैम्प मतलब प्रयास करना, परस्यूट मतलब मनाना, गलीबल पब्लिक मतलब सीधी साधी पब्लिक को किस लिए? अपना पैसा खर्चने के लिए, स्पेंड देयर मनी, ठीक है, जो कि ज़्यादातर बिजनेसमैन लोग करते हैं। इसके सिनोनिम्स देखते हैं, कॉच विथ चैफ एंड इनोसेंट, ठीक है, दो सिनोनिम्स से मिलते जुलते मीनिंग होते हैं। थर्ड वर्ड देखते हैं फटाफट से। थर्ड वर्ड है आपका इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है अजय अपराजय, मतलब जिसे जीता ना जा सके, जिसे हराया ना जा सके, ठीक है, उसे बोलते हैं इनविंसिबल। इसका सेंटेंस देखते हैं, एन इनविंसिबल वॉरियर, ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं इसके फटाफट से। एक सिनोनिम से इसका इनवल्नरेबल एंड अनबीटन, दो सिनोनिम्स हो गए आपके इसके। फोर्थ वर्ड है आपका आइकोनोक्लास्ट। फोर्थ वर्ड क्या है आपका? आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है परंपरा और रीति रिवाजों को तोड़ने वाला या इन्हें नहीं मानने वाला, उसे बोलते हैं हम आइकोनोक्लास्ट। इसका सेंटेंस यूसेज देखते फटाफट से। सेंटेंस यूसेज है इसका, द ऑथर हु वॉज कंसिडर्ड एन आइकोनोक्लास्ट वॉज फार अहेड ऑफ हर टाइम्स, ठीक है। इसका मीनिंग आप खुद निकालने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट से। और इसका सिनोनिम्स भी आप होमवर्क कीजिए, निकालने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख देना। बचा आपका लास्ट वर्ड। इस लास्ट वर्ड को फटाफट से देखते हैं। लास्ट वर्ड है आपका मर्सिनरी। लास्ट वर्ड क्या आपका? मर्सिनरी। मर्सिनरी का मतलब मृतक या भाड़े का, ठीक है। मृतक मतलब आपने पैसे दे के खरीदा हो, भाड़े का टट्टू, ठीक है, मतलब जैसे आपने पैसे दे के खरीदा हो, भाई मेरे लिए लड़ ले, फलाना कर दे, जो भी कर दे, ठीक है, तो इसे बोलते हैं मर्सिनरी। उस प्रकार के व्यक्ति बोलते हैं मर्सिनरी। मर्सिनरी एक एडजेक्टिव है। हाँ, आप देख लेना पीडीएफ में, देख लेना कि कौन सा वर्ड क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, नहीं प्रोनाउन तो नहीं होगा, नाउन या एडजेक्टिव देख लेना, वर्ब है क्या है, ठीक है, लिख देता हूँ मैं ऊपर इधर कोने पर, ठीक है। तो इसका सेंटेंस यूज देखते हैं, ही इज़ नथिंग बट ए मर्सिनरी, और कुछ नहीं है, एक भाड़े का टट्टू है, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं, मनी ओरिएंटेड। मनी ओरिएंटेड मतलब पैसों के लिए ही तो है, अब भाड़े का है तो मतलब पैसों के लिए, पैसों के लिए आपके काम करेगा, जब तक आपके पास पैसे होंगे तब तक काम करेगा, नहीं तो फिर चलता बनेगा अपने रास्ते, क्या पता आप ही को मार दे, ठीक है। तो फटाफट से रिवाइज करते कौन कौन से वर्ड थे। तो पहला वर्ड था आपका जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब नरसंहार, किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के काफ़ी सारे लोगों को मार देना ही जेनोसाइड कहलाता है। थर्ड वर्ड था आपका गलेबल। गलेबल का मतलब भोला सीधा साधा या आसानी से धोखा दे सकते हो, जिसे उस प्रकार के व्यक्ति को बोलते हैं गलेबल। गलेबल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, जेनोसाइड नाउन है, ठीक है। इनविंसिबल मतलब अजय, जिसे आप हरा ना सको, साफ पता चल रहा है, प्रॉपर्टी बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट मतलब जो व्यक्ति परंपराओं रीति रिवाजों को तोड़ता है, नहीं मानता है, उसे बोलता है आइकोनोक्लास्ट, ये नाउन वर्ड है आपका, ठीक है। फिर फिफ्थ है आप मर्सिनरी। मर्सिनरी मतलब मृतक कौमा भाड़े का टट्टू, ठीक है, भाड़े में खरीदा गया व्यक्ति, उसे बोलते हैं हम मर्सिनरी। मर्सिनरी एडजेक्टिव है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरे द्वारा कुछ बोलने या लिखने में गलती हो जाती है तो उसे क्षमा कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।